आज का दिन तो विराट और अनुष्का के लिए खास है ही, लेकिन 11 तारीख भी उनके लिए स्पेशल बन गई है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आज उनके पहले बच्चे ने दुनिया में कदम रखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस तारीख से अब इस कपल का खास रिश्ता बन गया है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मम्मी पापा बन गए हैं। अनुष्का ने आज एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। फिलहाल वो अस्पताल में है और जच्चा बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आज का दिन तो विराट और अनुष्का के लिए खास है ही, लेकिन 11 तारीख भी उनके लिए स्पेशल क्यों है? सिर्फ इस वजह से नहीं कि आज उनके पहले बच्चे ने दुनिया में कदम रखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस तारीख से अब इस कपल का खास रिश्ता बन गया है। 11 को शादी और 11 को ही घर आई लक्ष्मी। जी हाँ, यही खास बात है। 11 दिसंबर 2017 को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी इटली में हुई थी। ये एक सीक्रेट वेडिंग थी जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए ही उनकी शादी के बारे में लोगों को पता चला और अब 11 तारीख को ही उनके घर में लक्ष्मी आई है। आज 11 जनवरी को अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया है, तो हुई ना ये तारीख दोनों के लिए बेहद खास। वहीं जैसे ही विराट को पापा बनने की खबर मिली तो उन्होंने इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ भी जरूर शेयर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्पेशल नोट लिखते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि उनके घर बेटी का जन्म हुआ है और इसे लेकर वो काफी खुश और उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने अनुष्का और बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी भी दी। उन्होंने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। शादी के 3 साल बाद आई नन्ही परी। जी हां, अनुष्का और विराट की शादी को 3 साल हो चुके हैं। 11 दिसंबर 2020 को दोनों ने शादी की 3री सालगिरह मनाई थी और अब वो 2 से 3 होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अनुष्का ने प्रेग्नेंट होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी थी, तभी से उनके बच्चे का इंतजार केवल ये कपल नहीं बल्कि उनके फैंस भी कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और 11 तारीख अनुष्का और विराट के लिए बन चुकी है एक और स्पेशल तारीख। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और हाँ, मिस्ट्री बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।